ओम नमो नारायण, ओम गुरुवे नमः। मैं महेश कुमार कुशवाहा उत्तराखंड से। आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास घी पड़ा हुआ है। तो देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कहते हुए कि बहुत से लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोग जो घी का व्यापार करते हैं या घी तैयार करते हैं, हमारे पूजनीय स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी के नाम से या अन्य नामों से, उसमें से अधिकतर लोग फ्रॉड हैं और लोगों को गलत घी देते हैं। भारतीय नस्ल या बोले तो देसी गाय या हमारी जो गौमाता हैं उनके नाम से एक बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, बिजनेस है पूरे भारत में क्या विदेश में भी है। तो ऐसे लोगों पे इतना टनों में घी आता कहाँ से, पहली बात तो। और दूसरा, ये आसानी से घी दे देते हैं, जितना भी इनसे मांग लो। क्योंकि लिखते सब हैं कि ये हाथ से निकाला गया घी है, बिलोना घी है, लेकिन अधिकतर लोगों का काम होता है दूध से क्रीम निकालते हैं, फिर क्रीम को कोई तो उस दही बनाता भी है, जामन डालता भी नहीं, वो डायरेक्ट भी घी निकाल लेते हैं, आजकल निकल जाता है, तो दूध भी बेच लिया, घी भी निकल गया, जो कि प्रोसेस गलत है। घी के लिए देखिए, घी बहुत, ये बहुत बड़ा विषय है कि इसमें देखिए, घी को हमें दूध को गर्म करना है। और पहले आपने देखा होगा लोग घड़े मटके में घी गर्म करते थे, जिसको मुझे भी याद नहीं क्या बोला जाता था, मिट्टी का जो हांडी टाइप का होता था उसका एक नाम था। तो उसमें हंडिया में रख देंगे और उसमें दूध देखेंगे तो एकदम लाल हो जाता था, ऊपर दूध हल्के लाल रंग पे कलर चेंज होता था और उसमें खूब मलाई मोटी बैठती थी। उसको दही बनाया जाता था, फिर उसको मथा जाता था, फिर घी निकलता था, मक्खन निकलता था, फिर मक्खन से घी बनाया जाता था। तो उसे वो प्रोसेस तो अब कोई नहीं कर रहा है, लेकिन देखिए जो घी है, घी पीला हो कोई ज़रूरी नहीं हो, जर्सी गाय का घी भी पीला मिलेगा आपको, मैं बता दूं, देसी गाय का ही घी पीला होता है, ये गलत है। और आप कभी भी घी के कलर पे मत जाइएगा कि पीले गाय का घी का कलर पीला है और बहुत डार्क येलो है और ये हल्का रेडिश लिए हुए है, तो बहुत शुद्ध घी होगा, बिल्कुल भी उस पर कोई गारंटी नहीं है कि वो शुद्ध होगा। लोग कलर भी डाल सकते हैं और भी तरीके हैं उसको येलो करने का। हाँ, भैंस का घी सफ़ेद होता है ये आपको बताऊं, लेकिन गाय का घी, चाहे वो कोई सी गाय हो, जर्सी गाय होगा, तो उसका भी येलोपन पे ही आता है घी, ये हमने देखा है जो आज तक हमारे घरों में गाय आई है, अन्य उसका भी पता है। तो देखिए, जितना घी पुराना हो जाएगा, एक तो पुराना घी हमारे देखिए येलो होगा, लेकिन देखिए इस कलर का होगा, ये मेरा घी, मैं बोल रहा हूँ आज तक का जो मैं दिखा रहा हूँ बीच में, आज तक का मेरे पास सबसे शुद्ध घी है। और इसको कहाँ से लाया हूँ मैं बताऊँगा, तो आप भी सोचते रह जाएंगे। तो ये अनमोल है, इस घी के बारे में आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये हमने लिया था 20/10/22 को मेरे घर पे आया था, यानी कि नवंबर में ही घी लाया गया है, बरसात के टाइम में ही, सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर में बंदे ने घी इकट्ठा करा होगा। और इस घी 2 किलो घी मिला था, और 2 किलो घी करने में उसे 3-4 महीने लगे होंगे। और ये घी है, मैं आपको बता दूँ, पिथौरागढ़ धारचूला से ऊपर, काफ़ी ऊपर जा कर के नारायण आश्रम, उसके बाद में जहाँ दारमा वैली, आदि कैलाश, पंचाकुली, मतलब वहाँ पे 100 किलोमीटर के एरिया में, बिल्कुल पहाड़ एरिया है, यहाँ पे 4-व्हीलर भी बड़ी मुश्किल से ही जाती हैं, और 4-व्हीलर तो शायद ही जाती हूँ जहाँ का ये घी है, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था उस समय, तो जाने की संभावना नहीं थी। तो वहाँ पे देखिए, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाना, ये सब गायों को नहीं दिया जाता, वहाँ सिर्फ पत्ते खाती और चरती है पहाड़ का, ये हिमालय क्षेत्र का घी मान लीजिए आप एक तरीके से। तो ये घी मैंने कम से कम 20 जगह पूछता था, घी है भाई किसी के गांव में क्या घी है, तो सब लोग मना कर देते थे। मैंने कहा किसी भी रेट पे मिल जाए तो ले चलना है। तो फिर वापसी में एक मैं दुकान पे रुका, तो मैंने ऐसे ही पूछा, भैया घी मिलेगा किसी का, बोले हाँ भैया अभी सुबह एक बंदा घी दे गया बेचने के लिए, लेकिन हम आपको इससे 800-900 ऐसी कुछ रुपये बताया था उसने कि किलो के हिसाब से देंगे। मैंने कहा अरे भाई, इतना सस्ता घी मिल रहा है तो
लेने में क्या बुराई है, मैं तो ढूंढ ही रहा हूँ। तो फिर मैंने उससे घी लिया, तो मैंने बताऊंगा इस पे, वहाँ पे घटना घटी थी जो कि मेरे जीवन भर याद रहेगी, और सभी गौ सेवक और जो भी घी रखते हैं उनके लिए बताएं। इसमें देखिए ये घी वहाँ का है, और दूसरा इस घी में अल्लाह ज़्यादा लाया था और तुम खा गए। इस घी में खासियत ये देखिए, जो जितने भी शुद्ध घी होंगे मैं आपको बताऊँ उसकी पहचान, तो ये देखिए 1 साल होगा घी, ऊपर देखिए जैसा है वैसे नीचे भी होगा। ये देखिए, यानी कि ऊपर तेल जैसा बन रहा है, नीचे गाढ़ा बन रहा है। और ये देखिए बीच में ये मिलावट का घी है, ये हमने किसी से मंगवाया था, ये शायद लोहा घाट या इधर ही साइड से आया पड़ा है, तो इस घी में मिलावट है, या फिर ये घी काफ़ी पुराना होगा तो ये अपना चेंज कर रहा है, क्योंकि पुराना घी चेंज कलर कर देता है, वाइट हो जाता है। तो इस घी पे मुझे डाउट है खुशबू से, और उससे तो ओरिजिनल लग रहा है, लेकिन ये देखिए नीचे सफ़ेद बनना चालू हो गया। ये होगा 20 या 21, 21 के टाइम का होगा, लेकिन इसमें मुझे शुद्धता की गारंटी नहीं है, क्योंकि घी देखिए जैसा भी हो जाए एक साथ मिल जाता है, काफ़ी दिनों बाद धूप में और उसमें रहता है, तो एक सेम कलर होना चाहिए ऊपर नीचे, अगर इसमें नहीं है। इसका कारण मैं बताऊंगा आपको, ये देखिए ये एक है, ये घी देखेंगे ये पुराना घी है, जिसमें हम सिर में लगाने के लिए रखा है, जिसकी आंखों की रोशनी कम हो जाती है, या मस्तिष्क रोग होते हैं, या जो टेंशन में लोग रहते हैं, या जो मेंटली वर्क करते हैं, रात भर लैपटॉप पे बैठे रहते हैं, तो वो अपना सिर में इसको लगा सकते हैं, और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। देखिए 950 ग्राम भी हमने लिख के रखा हुआ है, और इस घी की खासियत देखिए, देखिए नीचे से लेकर ऊपर तक सब एक ही जैसे होगा, यही मैं आपको बताना चाह रहा था, जो असली घी होगा उसमें डिफरेंस नहीं होता है। और ये देखिए मैंने क्या लिखा ऊपर, खाने के लिए नहीं है, 2/12/2021, यानी कि ये भी दिसंबर का घी मेरा इकट्ठा करा हुआ है, तो ये बरसातों के बाद का जो घी होता है बरसातों का, तो वो बहुत अच्छा होता है। और पहाड़ का घी तो समझ लीजिए अक्टूबर तक का मिल जाए तो, क्योंकि वहाँ ही 4-5 ही महीने होते हैं, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन्हीं ये महीनों के वनस्पतियाँ भरपूर अपने यौवन पर होती हैं, और वो खा के गौ माता उसकी एनर्जी घी में या औषधि घी में डालती हैं। तो ये पुराना घी है, जैसे पैरालिसिस लगवा जाए तो उसके लिए रखा गया है, और इसका मैं ब्रह्मीगृत घी बनाऊंगा, क्योंकि अभी ये 1 साल ही पुराना है तो चल जाएगा, अगर ये भी 2 साल पुराना हो जाता तो मैं नहीं करता। हाँ, इसमें थोड़ा नीचे मठार रह गया था, तो देखिए थोड़ा सा जमा हुआ है, मठार बोलते हैं जिसमें इसके पार्टिकल्स जल जाते हैं कढ़ाई में या वो चीज़ें, तो इसको दूसरे कंटेनर में डालना होता। देखिए एक साथ कलर है, ये असली घी का कलर है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, और इसको मैं भी आपको चम्मच में भी डाल के दिखाऊँगा, और इस घी के तो खाना ही खाना है हमें। थोड़ा मोबाइल रखता हूँ, ये देखिए घी देख के आप खुश हो जाएंगे। ये देखिए मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा घी जिंदगी में मुझे तो पहली बार ही मिला। देखिए ये देखिए, इसमें क्या चमक भी है, देखिए घी में। तो ये जो घी है मस्त घी है, मिलावट फ्री है। तो ये मैंने दिखाया आपको कि लोग कहते हैं कि येलो कलर है तो गाय का घी होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा इस वीडियो का ये मकसद था, बाकी मैंने आपको असली नकली घी की पहचान करा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोग इसे मेरी बात को समझते हैं और समर्थन करते हैं अगर सही हूँ तो, और जो अगर मैं गलत हूँ तो भी फीडबैक देके बताया करें, ताकि मैं अपना इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। और आपको अन्य कोई गाय का घी का पहचान हो तो ज़रूर बताइएगा, जिससे कि लोग ठगी के शिकार ना बन सकें और ओरिजिनल घी प्राप्त कर सकें, और अपने पैसे की मतलब कीमत का उन्हें मूल्य मिल सके। इसी साथ ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद, जय प्रकृति माता की, जय गौ माता की।